हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव को आदिदेव कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर जीवन का शुभारंभ किया था, अर्थात सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही धरती पर जीवन का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए इन्हें आदिदेव कहा गया, क्योंकि आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। और भगवान शिव को आदिदेव के अलावा आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण इनका नाम एक आदिश भी है, और इस आदिश शब्द से ही एक शब्द बना है जिसका नाम आदेश है। इसीलिए नाथ परम्परा के साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में आदेश कहते हैं। और दोस्तों, हमारी पौराणिक कथाओं में यह व्यक्त किया गया है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण स्वर्ग श्री हीन हो गया, अर्थात धन वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गया था, जिसके कारण सभी देवी देवता गण परेशान थे। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया, यह समुद्र मंथन का उपाय था। विष्णु जी ने देवताओं और असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया था। और तो और, विष्णु जी ने यह भी कहा कि जो समुद्र मंथन से अमृत का कलश प्राप्त होगा उससे आप सभी लोग अमर हो जाएंगे। तब सभी देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया था। समुद्र मंथन का सबसे पहला रत्न हलाहल विष था। यह विष बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी था। इस विष के कारण पूरे ब्रह्मांड के जीवों के प्राण संकट में आ गए थे, जिसके कारण पूरे देवता और असुर परेशान थे, क्योंकि इसे लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब देवताओं ने महादेव को याद किया। भोलेनाथ ने सृष्टि और सभी जीवों की भलाई के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में समाहित कर लिया था, जिससे इनका कंठ नील वर्ण हो गया, अर्थात इनका कंठ नीले रंग का हो गया था। भोलेनाथ का कंठ नीला होने के कारण इनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। और समुद्र मंथन के विष को विस्मान करने के बाद भोलेनाथ के शरीर की गर्मी बढ़ गई थी। इसी कारण से सावन के महीने में इन्हें जलधारा, दूध और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। और भगवान भोलेनाथ ने सर्वप्रथम पृथ्वी पर ओम शब्द का उच्चारण किया था। वैसे आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।